अगर हम सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा। हम अपनी जाति वाले भगवान से तो कुछ मांगेंगे, हमें दूसरे क्यों मांगेंगे? अब तो उन्हें भी कुछ बताना पड़ेगा भगवान ने क्या दिया। कल मंगलवार था, कल मंगलवार था, उन्होंने हनुमान जी को बताया था। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी खुशहाली और तरक्की की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिस पे अमल अगर दूसरे प्रदेश की सरकारें भी करें तो जनता को ज्यादा राहत मिलेगी। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी वो तारीख 11 थी। इससे मैंने जानबूझ करके इस बात को कहा कि इन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना ही है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नफरत फैलाई है, बहुत जनता को धोखा दिया है, और अभी तो इन्हीं प्रदेशों में उनका ये परिणाम आया है। आने वाले समय में जब देश का चुनाव होगा उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ जो नौकरी और रोजगार को लेकर के धोखा दिया है, इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में उन्हें मिलने जा रहा है। अगले अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ? देखिए अभी कोई अलायंस की बात नहीं होगी, अभी केवल अपनी पार्टी कितनी मजबूत है और पार्टी का संगठन और पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक होगी। कल राहुल गांधी ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ कंफर्टेबल है, तो ये आपकी तरफ से भी कुछ इस तरह का जेस्चर जा रहा है उनको 2019 के लिए? समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ी है, और ये रास्ता ऐसा निकले जिससे कि देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उस प्रयास को समाजवादी पार्टी करती रही।